बाद आइसक्रीम निकाल ली है, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी मलाई मैंगो आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको इन कप्स के अंदर डेकोरेट करके आपको दिखाएंगे। इतनी टेस्टी ये मलाई मैंगो आइसक्रीम बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए कितनी सॉफ्ट ये बनी है। चलिए अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं एक ग्लास के अंदर। ज़बरदस्त हमारी मलाई मैंगो आइसक्रीम देखिए व्यूअर्स, हमने ग्लास में निकाली है, कितनी सॉफ्ट बनी है। हम इसको दोबारा से निकालते हैं और दूसरे वाले ग्लास में डालते हैं। इतनी मज़ेदार ये आइसक्रीम बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा फुल डेकोरेट करके बताते हैं हम आपको। हमने अपनी मैंगो आइसक्रीम ग्लास में निकाल ली है, कितनी यमी और ज़बरदस्त मलाई मैंगो आइसक्रीम बनी है। अब इसके हम पिस्ते से डेकोरेट करते हैं। ज़बरदस्त ये पिस्ते से हमने मलाई मैंगो आइसक्रीम को डेकोरेट कर लिया है। हमारी रेसिपी बनके रेडी हो गई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इतनी मज़े की ये मलाई मैंगो आइसक्रीम बनी, पिस्ता मलाई मैंगो आइसक्रीम। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। वेलकम व्यूअर्स, आपको अनुषा और महा का सलाम। समर वेकेशन में आज हम लेकर आए हैं, हम लोग की वेकेशन हो चुकी हुई हैं, तो हमने कहा चले अब हम अपने प्लांट्स के, ये हमारे दरख्त के आम हैं, ये महा ने पानी दे दे के इनको ज़बरदस्त कर दिया है। अपने इतने टेस्टी आम है मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अब हम बनाएंगे आज मलाई मैंगो आइसक्रीम, मलाई कुल्फा भी बोल सकते हैं, मलाई मैंगो आइसक्रीम भी बोल सकते हैं। इतनी टेस्टी हम बनाएंगे कि आपको बता नहीं सकती। इसका हमने पल्प निकाल लिया है मैंगो का, ये महा ने निकाल के रखा हुआ है। और ये हमारा क्रीम मिल्क है, यानी कि फुल क्रीम मिल्क लिया हमने, और इसके अंदर हम अभी क्रीम ऐड करेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनेगी और झटपट, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डलेगी, बहुत जल्दी बनने वाली आइसक्रीम है। गर्मियों की आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मलाई कुल्फा मैंगो आइसक्रीम। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा फुल मिल्क है, इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करें, शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी हमने शुगर भी ऐड की है, शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्रीम और फुल मिल्क है, इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, अब इसको डालेंगे पहले बॉल के अंदर जिसमें हमने आइसक्रीम जमानी है। हमारा आइसक्रीम का बॉल है जिसमें हमने आइसक्रीम जमानी है। ये हमने इसमें मिक्सचर डाल दिया, क्रीम शुगर और फुल मिल्क। अतः उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब जो बाकी बचा है उसके अंदर हम मैंगो का पल्प ऐड कर देंगे। ये हमने इसको सेट कर दिया है बॉल में। अब जो बाकी जो मिल्क बचा है इसमें हम मैंगो का पल्प महा ऐड कर रही हैं, महा पल्प इसमें ऐड कर रही पतीले में। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड, ब्लेंड करके हम इसको फिर जो आइसक्रीम का हमारा जार है जिसमें हमने डाला है क्रीम मिल्क, उसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे। बहुत जल्दी बनने वाली है ये हमारी आइसक्रीम है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसको ब्लेंड करके लेकर आते हैं। ये हमने ब्लेंड कर लिया है फुल क्रीम और क्रीम डाल के इसके अंदर, और मैंगो का पल्प और शुगर, इन तीनों को हमने मेल्ट कर लिया। अब इसको हम आइसक्रीम की जार में निकालेंगे। ये हमने थोड़ा सा जो फुल क्रीम और क्रीम थी हमारी, हमने इसमें जार में निकाल दिया था आइसक्रीम को, इसको थोड़ी देर के लिए हमने डीप फ्रीजर में रख दिया था। बाकी के अंदर हमने मैंगो का पल्प और क्रीम और शुगर डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। अब इसके अंदर हम जो हमने ये ब्लेंड किया है सब कुछ, मैंगो का पल्प और क्रीम और मिल्क अपना और शुगर, हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको डीप फ्रीज करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। बहुत ईजी और बहुत जल्दी बनने वाली आइसक्रीम और इतनी टेस्टी बनती है मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा हमने इसके अंदर डाल दिया अपने जार में इस आइसक्रीम के। ये देखिए हमने पूरा जार आइसक्रीम का भर लिया है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे रैप, या कोई रैप है तो रैप लगा लें, रैप नहीं है तो शॉपर में लगा सकते हैं ताकि ये ऊपर से वाइट ना हो, बर्फ ना जमे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम कर देंगे कैप और इसको रख देंगे डीप फ्रीज़र में। और इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट का स्टेप दिखाएंगे जमने के बाद, ये जम जाएगी। इतना ज़बरदस्त ही हमारी मैंगो की और जल्दी बनने वाली आइसक्रीम, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी इजी सी रेसिपी आपके पास उड़ती हुई आएगी। चले महा इसके ऊपर कैप लगा लें, हम महा इस पर कैप लगा रही है, इसको हम डिफ्यूज़र में रख रहे हैं। ये हमने इसके ऊपर कैप लगा दिया। अब हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कुछ घंटों के बाद हम आपसे मिलते हैं जब ये जम जाएगी। ये बची थी वो हमने इस जार में डाल के जमा दी है ताकि डेकोरेटिंग में काम आए। अब जैसे ही आइसक्रीम हमारी जमती है तो फिर हम आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, दो घंटे बाद हमने इसको फ्रीजर से निकाला है। अब से कैप हटाते हैं, कैप हटाइए महा।
ये देखिए इसको हमने हटा दिया है, कितना ज़बरदस्त हमने इस पर रैप लगाया था, बहुत ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बनी। अब इसके अंदर हम चंक डालेंगे मैंगो के, और ये जो क्रीम हमने जमाई थी ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दिखाई मैंगो के चंक, ये हमने मैंगो के चंक कटिंग, ये मैंगो के चंक हमने कटिंग किए, ये हम इसके ऊपर डालेंगे आइसक्रीम पर, और इसके ऊपर जो हमने क्रीम जमाई थी वो भी हम ऊपर से डालेंगे। ये देखिए ये रूम टेम्परेचर पर आ गई, तो ऊपर से वाइट जो हमारा तो वाइट लग रहा था फ्लो वो हट गया है। इसके ऊपर हमेशा रैप करिए, ये प्लास्टिक बैग लगाइए तो इससे ये वाइट नहीं रहती। चलिए इस पर हम चंक कटिंग करेंगे मैंगो के। बहुत मज़े की ये मलाई आइसक्रीम बनती है मैंगो की, मैं आपको बता नहीं सकती, आप ज़रूर ट्राई करें। उसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ हमने ऐड नहीं की है, और देखिए इतनी सॉफ्ट बनी है, देखें मैं आपको बता नहीं सकती इतनी सॉफ्ट ये आइसक्रीम बनी है। यमी। चलिए अब इसमें चंक ऐड कर रहे हैं, वहाँ इसमें चंक ऐड करेंगे मैंगो के जो हमने कटिंग किए थे पूरे। और इसके ऊपर जो हमने क्रीम अलग से सेट की थी वो भी हम इस पर डालेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए हम दोबारा एक आध घंटे के लिए फ्रिज में रख के दोबारा फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। अब जो क्रीम मेरे हैं बच्चे, अब जो क्रीम थी वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं दोबारा से। स्पून ले लेंगे और दूसरा वाला, ये वाला स्पून से लेंगे इससे, क्रीम हम इसमें दोबारा से ऊपर से ऐड कर रहे हैं। ये इतनी मज़े की मलाई मैंगो आइसक्रीम बनती है मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसको कैप लगाएंगे और इसको हम एक घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे, फिर दोबारा आपको दिखाते हैं। ये पूरा ओवरलोड हो गया, अब इसको हम कैप लगा रहे हैं और इसको हम फ्रीज़र में रख रहे हैं। ज़रूर आप इसको ट्राई करें और मेरी रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। ये हमने इसको बंद कर दिया, अब एक घंटे बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे ज़बरदस्ती मलाई मैंगो आइसक्रीम। व्यूअर्स, ये हमने फ्रीज़र से एक घंटे बाद आइसक्रीम निकाल ली है, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी मलाई मैंगो आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है, अब हम इसको इन कप्स के अंदर डेकोरेट करके आपको दिखाएंगे। इतनी टेस्टी ये मलाई मैंगो आइसक्रीम बनी है मैं आपको बता नहीं सकती, ये देखिए कितनी सॉफ्ट ये बनी है। चलिए अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं एक ग्लास के अंदर, ज़बरदस्त सा हमारी मलाई मैंगो आइसक्रीम। देखिए व्यूअर्स, हमने ग्लास में निकाली है, कितनी सॉफ्ट बनी है। हम इसको दोबारा से निकालते हैं और दूसरे वाले ग्लास में डालते हैं, इतनी मज़ेदार ये आइसक्रीम बनी है मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा फुल डेकोरेट करके बताते हैं हम आपको टेस्टी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी मैंगो आइसक्रीम ग्लास में निकाल ली है, कितनी यमी और ज़बरदस्त मलाई मैंगो आइसक्रीम बनी है। अब इसके हम पर हम पिस्ते से डेकोरेट करते हैं, ज़बरदस्त सा ये पिस्ते से हमने मलाई मैंगो आइसक्रीम को डेकोरेट कर लिया है, हमारी रेसिपी बनके रेडी हो गई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इतनी मज़े की ये मलाई मैंगो आइसक्रीम बनी है, पिस्ता मलाई मैंगो आइसक्रीम, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। अब हम चलते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।